हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये हमारा फैट एंड शुगर को के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे है। और जैसा कि हमने देखा है कि जो फैट्स एंड शुगर है, दोनों ही जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो हम दोनों को ही अपनी फूड अपनी डाइट में कम शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा स्ट्रेस फैट पे होता है, क्योंकि फैट में शुगर के कंपैरिजन में जस्ट डबल कैलोरी होती है। और इसमें हम जब देखें कि 1 टीस्पून यदि हम शुगर में देखें तो 16.6 कैलोरी होती है, और 1 टीस्पून यदि हम बटर लेते हैं तो जस्ट डबल 33.3 कैलोरी होती है। लेकिन यदि हम शुगर को हम देखें, उसको ग्रैनुलेटेड शुगर को यदि हम सिरप के फॉर्म में करते हैं और 1 टीस्पून शुगर सिरप की यदि कैलोरी वैल्यू देखें तो ये होती है 95। और इसमें हम देखेंगे कि जो जो शुगर सिरप है, इससे काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, काफ़ी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। दूसरा, कई बार हम लो फैट कुकीज़ लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं और हमें लगता है कि हमारा वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लो फैट कुकीज़ में कई बार उसको पैलेटेबल बनाने के लिए शुगर ऐड कर दी जाती है। और जब हम शुगर यदि हाई कॉर्न सिरप, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की यदि हम डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा वेट रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न होता है क्योंकि सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स में नहीं, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, सोडा है, सब में ये फ्रक्टोज शुगर है। और बाकी शुगर के कंपैरिजन में जो फ्रक्टोज शुगर है ये हमारे बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और लिवर में जाकर के जो जो लिवर हैं उसके एंजाइम्स जो हैं वहाँ पे ये शुगर से फैट में ये बिल्डअप हो जाती है। तो यहाँ पर हमने शुगर फैट ऐसा अपनी डाइट में शामिल नहीं किया, लेकिन जो शुगर है उससे फैट में हमारी बॉडी में बन गया। दूसरा है, यदि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम शुगर लेते हैं तो ऐसे में हमारे सेल्स के चारों तरफ एक कोटिंग सी हो जाती है और ये कोटिंग होती है AGE की, और ये जो है हमारी बॉडी में जो फैट है उसको मसल्स में फॉर्म करने के लिए जिन हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है उन हॉर्मोन्स को ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण जो फैट है वो मसल्स में नहीं बन पाते। और मसल्स में नहीं बन पाने के कारण क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स से जब जो एक्सरसाइज से हमारी जो कैलरीज हैं वो बर्न हो जाती है और वेट हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके अलावा कुछ और एक दो इंटरेस्टिंग फैट्स हैं जिसमें इन्होंने ये देखा कि ये कनाडा में देखा और ये न्यूनेटल बेबीज़ पे देखा, और न्यूनेटल बेबीज़ में इन्होंने दो ग्रुप में उन्होंने ये रिसर्च की, जिसमें इन्होंने देखा कि एक ग्रुप को तो उन्होंने पानी में शक्कर डाल के दी और दूसरे ग्रुप को उन्होंने प्लेन वाटर दिया। और कुछ वीक बाद जब इन्होंने इन पर स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि उन बच्चों में न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखे, जिसमें कुछ अलर्टनेस पे उन्होंने देखा, कुछ ओरिएंटेशन पे देखा, कुछ मोटर डेवलपमेंट पे देखा, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। और दूसरा उनका ये था कि जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद बच्चों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं या कभी भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं या रोते हैं तो हमारा फर्स्ट जो हथियार होता है वो होता है, हम कहते हैं बेटा तुमको चॉकलेट दिला देंगे या आइसक्रीम दिला देंगे, और बच्चा वो लेता भी है, उसके बाद खुश भी हो जाता है। तो पहला तो ये हमारे माइंड में रहता है कि वो मीठी चीज़ थी तो वो इंजॉय कर ही रहा है तो बिल्कुल उसके बाद वो भूल जाता है झगड़े को। लेकिन उसमें जो बॉडी में हमारी जब शुगर जाती है तो उस टाइम में हमारी बॉडी से एक एंडोजीनियस ओपिएट करके रिलीज होता है, और जो कि हमारे अंदर एक फीलिंग जो होती है वो ये आती है एवरीथिंग इज़ ओके। तो बच्चा जो उस टाइम में जो लड़ाई झगड़े से जो सीखना चाहिए था, उसका एक सोशल बिहेवियर सीखना था, जो लर्निंग उसको करनी थी, वो चीज़ उसके बिहेवियर में नहीं आ पाती। सपोज हम एक टॉय को लेके अगर दो बच्चों में लड़ाई हो रही है, एक बच्चे को हमने दिया और दूसरे को हम समझा रहे हैं कि नहीं बेटा शेयर करना चाहिए, या फिर जितनी देर वो खेल रहा है थोड़ी देर में हम आपको दे देंगे, तो जो एक पेशेंस आना चाहिए वो चीज़ बच्चे में बिल्डअप नहीं हो पाता, क्योंकि हमने उसी टाइम जब वो रो रहा है उसको चुप कराने के लिए हमने कुछ चॉकलेट दे दी या आइसक्रीम दे दी। तो कई टाइप के रिसर्च में देखी गई कि इस टाइप के जो बिहेवियर्स प्रॉब्लम बच्चों में देखी गई। तो ये जो हम शुगर को एक इंसेंटिव के फॉर्म में बच्चों को देते हैं वो भी एक बिहेवियरल उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा, जो वेट है उसमें भी हमारे जो शुगर है कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है। तो इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम अपनी डाइट में शुगर फैट के साथ शुगर भी जो है एक लिमिटेड वे में लें, और बच्चों को भी जो एक इंसेंटिव फॉर्म में हम लोग शुगर देते हैं
उस पर कंट्रोल रखें। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।